किसी फीमेल को संतुष्टि देने के लिए अंदर से कितनी तड़पते हैं ना आप, कितनी बेचैनी रहती है ना आपके अंदर। दुनिया का सबसे बड़ा दुख औरत को कैसे करे खुश। क्यों परेशान रहते हो, दुखी रहते हो, गंभीर रहते हो और मुझे भी परेशान करते हो? मैम साइज बता दो, मैम मोटाई बता दो। अरे शायद पिछले 3 साल से जब से ये चैनल मेरा स्टार्ट हुआ है, मुझे खुद नहीं पता कि मैं इस टॉपिक के ऊपर कितनी बार बात कर चुकी हूँ, फिर भी ये सवाल मुझे आता ही आता है कि मैम साइज के बारे में बता दो, मैम मोटाई के बारे में बता दो, कितनी गर्थ होनी चाहिए कि कोई फीमेल संतुष्ट हो जाए। आखिर इतनी इनसिक्योरिटीज क्यों? इतना दुखी रहोगे, इतना गंभीर रहोगे तो कभी भी अपनी इनसिक्योरिटीज से बाहर नहीं निकल पाओगे। तो चलिए आपकी इसी फरमाइश पे कि लंबाई क्या होनी चाहिए और गर्थ क्या होनी चाहिए जिससे मैं किसी फीमेल को संतुष्ट कर पाऊँ, ये पुराना टॉपिक नए अंदाज में दोबारा बताने वाली हूँ। बने रही है इस वीडियो में। देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि एक फीमेल को पूर्ण रूप से जेनिटल का सुख देने के लिए, उसको संतुष्ट करने के लिए कम से कम एवरेज साइज तो होना ही चाहिए। वो बच्चे जैसा पेंसिल जैसा ना हो ना, कम से कम एक एवरेज साइज तो हो। और साथ ही साथ जितना साइज जरूरी होता है उतना ही उसकी गर्थ, उसकी मोटाई भी जरूरी होती है। एक एवरेज मोटाई और एक एवरेज साइज अगर है किसी के पीनस का तो 100% किसी भी फीमेल को संतुष्ट करने में सक्षम है। स्टडीज कहती है, रिसर्च कहती है और मेरा भी ये मानना है, इरेक्टेड पोजीशन में जब पीनस के अंदर ब्लड फ्लो बढ़ने की वजह से उसमें तनाव आ जाता है, वो तन के खड़ा हो जाता है और उस वक्त आप इंची टेप से मेजरमेंट करते हैं तो अगर आपका साइज 4 और 4.5 एवरेज साइज आपका निकलता है एंड बी हैप्पी। क्योंकि स्टडीज भी कहती है कि इंडियन मेल का जो पीनस साइज है वो 4 और 4.5 होता है, तो ये एवरेज साइज जो इंडियन मेल का है दैट इज क्वाइट इनफ कि आप किसी भी फीमेल को इस साइज से संतुष्ट करने में सक्षम है। बात करते हैं गर्थ की, क्योंकि मोटाई भी तो इक्वली इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इरेक्टेड पोजिशन में आप इंची टेप से उसको नापते हैं और आपकी मोटाई 3 इंच निकलती है, 3 इंच, 3.2, 3.5, तो बहुत बढ़िया है, भरपूर इंजॉय कराने वाले हो आप अपनी पार्टनर को। यू आर कैपेबल इनफ टू फिल द हॉल। अब बात करते हैं कि इस मोटाई को, ये जो गर्थ है, इसे नापना कैसे है। तो इरेक्टेड पोजीशन में जब भी आपका पीनस तन के खड़ा हो जाए तब आपको मेजरमेंट करनी है, लेकिन ना तो एकदम टॉप से करनी है और ना ही टेस्टिकल के पास से करनी है, ना तो एकदम टॉप से ना एकदम धरातल से। जो बीच का जो होता है ना, जैसे ये पीनस है तो ये जो बीच का ये जो एरिया है ना, ये वाला, तो ये वाला एरिया पे आपको इंची टेप से ऐसे नापना है, मेजरमेंट करनी है। और सही मेजरमेंट करने के लिए, वो सही मोटाई पता करने के लिए आपको ये काम 2 से 4 बार करना है। मतलब 2 से 4 बार उस तनी हुई पोजीशन में, इरेक्टेड पोजीशन में आपको अपनी मोटाई को इंची टेप से नापना है। हो सकता है ना कि फर्स्ट टाइम आपने जब अपनी मोटाई नापी तो कुछ और निकली, सेकंड टाइम किया तो कुछ बढ़कर निकली, थर्ड टाइम किया तो कुछ मीडियम निकली। ऐसे 3 से 4 बार करोगे, अलग अलग टाइम में करोगे इरेक्टेड पोजीशन में, तब जाके आपको एक एक्यूरेट आपकी गर्थ पता लगेगी कि हाँ अब तो यही निकल रहा है, 3.2, 3.2, 3.2। 2-3 बार करके देख लिया, 3.2 पे जाके अटक गया, तो मतलब आपकी जो गर्थ है वो 3.2 है। और ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं, क्यों कह रही हूँ आपको कि 3 से 4 बार जब आप मोटाई नापोगे तब जाके आपकी एक्यूरेट गर्थ आपको पता लगेगी? इसके पीछे कारण ये है कि आपका जो पीनस की जो मोटाई होती है वो डिपेंड करती है आपकी मसल स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी इरेक्शन स्ट्रेंथ के ऊपर, आपकी जो मसल्स है वो कितने स्ट्रेचेबल है, कितने फ्लैक्सीबल है। अगर किसी वक्त आपके पीनस में वो स्ट्रॉन्ग इरेक्शन नहीं हुआ, ब्लड जो है वो तेज़ी से फ्लो नहीं हुआ, तो जो मसल्स है वो प्रॉपर तरीके से स्ट्रेच नहीं होंगी, वो फ्लैक्सीबिलिटी नहीं होगी, तो फिर आपका जो साइज है, जो मोटाई है, सॉरी आपकी जो पीनस की मोटाई है, जो गर्थ है, वो एक्यूरेट नहीं निकलेगी, क्योंकि मसल्स स्ट्रेच नहीं हो पाई ना, इरेक्शन ढीला था। ऐसा ज़रूरी तो नहीं ना कि हर बार वो पावरफुल इरेक्शन आए, तो हो सकता है कि कभी वो इरेक्शन ढीला ढाला आए और आपने उसमें मेजरमेंट किया हो तो वो जो मोटाई है वो एक्यूरेट ना निकले। तो जब आप 3 से 4 बार इरेक्टेड पोजीशन में गर्थ को नापेंगे तब जाके आप एक्यूरेट मोटाई अपनी पता कर पाएंगे। आगे समझ। अब एक चीज़ और सुनिए, अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की शिकायत है, वेन्स में जो ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से नहीं पहुंच पाता, तो ऐसे लोग अपनी मोटाई का पता नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए डॉक्टर भी ये रिकमेंड करते हैं कि आप हफ्ते में 2 बार अपने जेनिटल को, अपने पीनस को ऑयल मसाज कीजिए। आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, साथ ही साथ आप एक्सरसाइज कीजिए, कीगल एक्सरसाइज, ताकि आपकी जो जेनिटल के आसपास का जो मसल्स एरिया है
वो पावरफुल हो, ताकतवर हो, जान पड़े उसमें, और आपके जो वेन्स है उसकी अगर ब्लॉकेज है तो वो खुले, ब्लड फ्लो उसमें बढ़े, तभी तो आपके जो पीनस की हेल्थ है वो मेंटेन होगी और वो पावरफुल तरीके से उसमें स्ट्रांग इरेक्शन पैदा होगा। तो अब कंक्लूजन बता देती हूँ कि अगर किसी इंडियन मेल का जो एवरेज साइज है, लेंथ के अकॉर्डिंगली बता रही हूँ, अगर लेंथ में वो 4 or 4.5 है, इससे ऊपर साइज और गर्थ कुछ भी हो वो बोनस है, लेकिन अगर एवरेज साइज 4 or 4.5 और गर्थ 3 or 3.2 लेकर बैठा है वो, तो टेंशन ना ले। इसके बाद तो बस अब इस पे ध्यान दे कि आपके पास जो सामान है वो दुनिया की सबसे बेहतरीन चीज है, अब आपको बस उसकी हेल्थ के ऊपर काम करना है, कोई इरेक्शन से रिलेटेड समस्या ना आ जाए, राइट? इन चीजों से बचा के रखो। इरेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, पावरफुल होना चाहिए, हार्डनेस होनी चाहिए। बादशाह हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हो?